Hello everyone, welcome to my channel. So today we are going to deal with 12th standard Maharashtra board history chapter number 3 India and European colonialism. इसके क्वेश्चन आंसर की टिक मार्किंग करने वाले हैं. सो आ जाते हैं हमारे टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 23 पे. सो दिस इज आर एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 ए, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड री राइट द स्टेटमेंट. फर्स्ट, वास्को द गामा वॉज अ सी फेरर फ्रॉम डैश फ्रॉम पोर्चुगल डी पोर्चुगल. ओके नाउ नेक्स्ट. सेकेंड, द लाइसेंस वॉज गिवन बाय इंग्लैंड टू ईस्ट इंडिया कंपनी टू ट्रेड विद द ईस्टर्न कंट्रीज बाय क्वीन एलिजाबेथ बी. नाउ क्वेश्चन नंबर 1B, फाइंड द इनकरेक्ट पेयर एंड राइट द करेक्ट वंस. सो फर्स्ट, आर्च बिशपो इसका दिया है हमें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. सो दिस वन इज रॉन्ग पेयर. इसका आंसर है आर्च बिशप. देख लो स्पेलिंग एक बार. ओके बाकी सेकेंड थर्ड फोर्थ सारे सही है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द कॉन्सेप्ट मैप. इसके लिए हमें आना है पेज नंबर 21 पे. सो पेज नंबर 21 पे आ जाते हैं. पेज नंबर 21 पे आ गए. ये कॉलम देखो, ये जो हाईलाइटेड है, मुंबई कंपोज्ड 7 आइसलैंड नेमली मुंबई माहिम परेल वडाला वर्ली शायन एंड मजगांव. तो ये जो रेड कॉलम में है यही हमें लिखना है बिकॉज मुंबई वडाला एंड मजगांव पहले से वहाँ पे दिया हुआ है. सो फर्स्ट कॉलम में लिखना है माहिम, सेकंड कॉलम में लिखना है परल, थर्ड में लिखना है वर्ली एंड लास्ट कॉलम में सायन. नाउ अगेन आ जाते हैं एक्सरसाइज पर. अब क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रीजंस. सो फर्स्ट, द इंडियन रूलर हैड टू ऑब्टेन कार्तास एंड ये हमें कहाँ पर मिलेगा, पेज नंबर 19 पे. बट ये जो सेकेंड दिया है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड, इंडियन रूलर्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू फाइट द पोर्चुगीज, पेज नंबर 19 पर. दोनों भी कहाँ पर है, पेज नंबर 19 पर. तो एक साथ हम दोनों भी देख लेंगे. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट देख लेते हैं. पेज नंबर 19 पर आ जाओ. या सो पेज नंबर 19 पे लेफ्ट साइड से ये जो लास्ट कॉलम है, क्वेश्चन नंबर 3-1 लिखा हुआ है देखो. या सो यहाँ पर व्हेन दे को हमें कट करना है और वहाँ पे पोर्चुगीज लिखना है. सो व्हेन पोर्चुगीज इस्टेब्लिश देयर फार्म कंट्रोल, ठीक है ये पॉइंट, व्हेन पोर्चुगीज इस्टेब्लिश देयर फार्म कंट्रोल ऑन द इंडियन ओशियन इट बिकम नेसेसरी फॉर इंडियन रूलर्स टू गेट अ लाइसेंस कार्तास फ्रॉम देम फॉर सेलिंग ऑन द इंडियन ओशियन इफ द लोकल रूलर्स डेयर टू सेट आउट ऑन द सी विदाउट अ पोर्चुगीज लाइसेंस द शिप वर ईदर सीज्ड और सन्क बाय फोर्स. द पोर्चुगीज हैड बिकम सो पावरफुल दैट इवन द माइटी मुगल एंड द सुल्तान. अब यहाँ नेक्स्ट आ जाना है, नेक्स्ट पैरा पे. इन द साउथ ये कंटिन्यू करना है, ठीक है. इन द साउथ हैड टू बाय अ लाइसेंस फ्रॉम देम, ये देम तक आकर स्टॉप कर देना है. देन ये देखो ये नीचे जो कार्तास, डू यू नो में कार्तास दिया है, ये पूरा आंसर कंटिन्यू कर लेना है एंड एक्सेट्रा पे स्टॉप कर देना है, ठीक है. द कार्तास यूजुअली कैरेड डिटेल्स लाइक नेम ऑफ द वेसल शिप द नेम ऑफ द कैप्टन ऑफ द शिप पोर्ट ऑफ डिपार्चर एंड अराइवल द लिस्ट ऑफ वेपनरी ऑन द शिप लोडेड फॉर द पर्पज ऑफ सेल्फ डिफेंस एक्सेट्रा. ये एक्सेट्रा पे स्टॉप कर देना है. ओके सो अब क्वेश्चन नंबर 3-2 देख लेते हैं. ये जो दिया है वास्को द गामा आ पोर्चुगीज सी फेरर, ये पूरा कंटिन्यू करना है. ये पूरा यहाँ तक कंटिन्यू करना है, ठीक है. वास्को द गामा से लेकर देयर कंट्रोल तक कंटिन्यू करना है. देन उसके बाद यहाँ से वापस से कंटिन्यू करना है.
द पोर्चुगीज नेवल फोर्स वॉज वेरी स्ट्रांग दे यूज टू लॉन्च सडन अटैक्स ऑन देयर एनिमी टेरिटरी फ्रॉम द सी एंड ब्रेक इट कम्प्लीटली द इंडियन लोकल रूलर्स कुड नॉट मैच द पोर्चुगीज इन द वार ऑफ टैक्टिस। ये यहाँ तक कंटिन्यू करने के बाद ये पूरा रेड मार्क को फॉलो करना है एंड ये आंसर भी यहाँ तक पूरा कंटिन्यू करना है, ठीक है, डैम तक कंटिन्यू करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड, वास्को द गामा से लेके देयर कंट्रोल, देन उसके बाद द पोर्चुगीज नेवल फोर्स, पूरा यहाँ से लेकर ये पूरा कंटिन्यू करना है नीचे का, देन ये स्टार्ट कर देना है इन द साउथ हेड टू बाय अ लाइसेंस फ्रॉम देम, यहाँ पे देम पे स्टॉप कर देना है। सो नाउ अब क्वेश्चन नंबर 4, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। फर्स्ट, विच आर द प्लेसेस वेयर द पोर्चुगीज एस्टेब्लिश देयर कॉलोनीज। सो इसका आंसर हमें मिलेगा पेज नंबर 19 पर। सो पेज नंबर 19 ओपन कर लेते हैं। अगेन इसका आंसर इधर ही है। सो ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 4-1 दिख रहा है, इसके आगे देखो, बाय 1608 द पोर्चुगीज हैड देयर कॉलोनीज ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। ये पूरा फॉलो करके ये गोवा तक आना है, कैपिटल एट गोवा, एंड देन उसके बाद अगेन इसे फॉलो करना है। द पोर्चुगीज कॉलोनीज हैड स्प्रेड ईस्ट द इंडिया, यहाँ तक ये, एंड सबसे पहले ये पूरा कंटिन्यू करना है। बस 1608 फ्रॉम हेयर एंड देन इसके बाद ये कंटिन्यू कर देना है। ओके सो अब आ जाते हैं वापस हमारी एक्सरसाइज पर, पेज नंबर 23। नाउ लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द राइट्स गिवन टू यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी बाय द डच गवर्नमेंट। तो इसका आंसर मिलेगा हमें पेज नंबर 21 एंड पेज नंबर 22 पे। तो पहले पेज नंबर 21 पे आ जाते हैं। ये देखो पेज नंबर 21 3.3 डच, यहाँ पर देखो, यहाँ इन 1602 सेवरल डच कंपनीज कम टुगेदर टू फॉर्म अ कंपनी नेम यूनाइटेड। पेज नंबर 21 पे इतना ही कंटिन्यू करना है। नाउ आ जाना है पेज नंबर 22 पे। सो पेज नंबर 22 पर आ गए, ईस्ट इंडिया कंपनी द डच गवर्नमेंट इज इशूड अ लाइसेंस, यहाँ से लेकर पूरा जापान तक कंटिन्यू करना है, ठीक है, ईस्ट इंडिया टू जापान यहाँ तक पूरा कंटिन्यू करना है। 21 पे ये 2 लाइंस, इसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करके पूरा जापान पर स्टॉप कर देना है। सो वी आर डन, इतना ही था क्वेश्चंस और सारे क्लियर्स हो गए होंगे होपफुली, बट स्टिल इफ़ यू गाइज हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी बिलो ऑन कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।